इंदौर नाम का एक गांव में भूपिंदर नाम का एक आदमी था। भूपिंदर बांस से तरह तरह के खिलौने बनाकर बेचता था। भूपिंदर का एक बेटा भी था, सुरेंद्र। सुरेंद्र उसके पापा को हर रोज खिलौने बनाते हुए देखता था। क्यों बेटा सुरेंद्र, तुम रोज यहीं पर बैठकर मुझे देख रहे हो, स्कूल नहीं जाना है क्या? अरे पापा, स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर मैं तुम्हारे जैसा बैम्बू से खिलौना बनाने सीख लिया तो हमारे कारोबार बढ़ सकता है, सोच लो। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, आओ तुम्हें सब कुछ सिखा देता हूँ। ऐसा भूपिंदर ने सुरेंद्र को पूरा काम सिखा देता है। फिर एक दिन सुरेंद्र ने बोला, अरे पापा, तुम कितने साल यही खिलौने बनाओगे? क्यों ना हम कुछ बड़ी अच्छी गाड़ी बनाएं, जिससे हमारा कमाई भी बढ़ जाए। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक बांस का ऑटो बनाकर यात्रियों को लेके जाएं। आइडिया तो बहुत अच्छा है बेटा, चलो ऐसे ही करते हैं। ठीक ऐसा सोचकर दोनों बाप बेटे मिलकर दो दिन में एक बांस का ऑटो बना देते हैं और उसको गांव के ऑटो स्टैंड पर लेके जाते हैं। वहां पर ऑटो को खड़ा करके चिल्लाने लगे, आओ गांव वालों, आओ, नया बांस का बनाया हुआ मैजिकल ऑटो, इस पर चढ़ो और मजा लो, आओ आओ जल्दी आओ। ऐसा बोलते ही वहां पर सभी ऑटो ड्राइवर्स हंसने लगे। बड़ा आया बांस का ऑटो वाला, क्या ये चलेगी या धक्का मारना पड़ेगा। ये सब सुनकर कोई भी यात्री उस बांस के ऑटो पे बैठने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा ही एक महीना हो गया। फिर एक दिन एक स्वामी जी ऑटो स्टैंड पर आए। बेटा, मुझे कोई भी बगल के गांव में मंदिर तक छोड़ देंगे, मेरे पास पैसे नहीं है। स्वामी जी के पास पैसे नहीं है तो क्या है आपके पास, आशीर्वाद? स्वामी जी, आप एक काम करो, आप पैदल ही निकल जाइए, कल तक पहुंच जाएंगे। उसकी बातों को सुनकर भूपिंदर ने ऐसा बोला, स्वामी जी मेरे बैम्बू ऑटो में चढ़िए, मैं आपको वहां पर छोड़ देता हूँ। वैसे भी कोई भी यात्री इस पर अभी तक नहीं चढ़े। क्या अभी तक एक भी यात्री नहीं चढ़े? तुम घबराओ मत बेटा, जल्दी ही तुम्हारे ऑटो का महत्व पूरा गांव जान लेगी। जब स्वामी जी को भूपिंदर ने छोड़ दिया तो स्वामी जी आशीर्वाद देके चले गए। लेकिन कुछ ही दिन में एक बड़ी बारिश और तूफान की वजह से पूरा गांव डूब जाता है। सारे लोग घरों के ऊपर चढ़कर सहायता के लिए पुकार रहे थे, लेकिन भूपिंदर का ऑटो बैम्बू ऑटो होने की वजह से वह डूबी नहीं। तुरंत भूपिंदर और सुरेंद्र ऑटो में जाकर सारे लोगों को एक एक करके सबको सुरक्षित जगह पहुंचा देते हैं। ऐसा गांव में बच्चों को और बुजुर्गों को भी बचा लेते हैं। दोनों की सहायता के लिए सारे लोग धन्यवाद बोलते हैं। उसके बाद उसका बैम्बू ऑटो बहुत फेमस हो जाती है और सभी लोग उस पे ही सवारी करने लगे। राजू पंचर वाला। एक छोटे से कस्बे में राजू एक पंचर की दुकान चलाता था। पूरे कस्बे में केवल उसे ही पंचर लगाना आता था। अपनी मदद के लिए उसने छोटू नाम के एक लड़के को काम पर रखा था। अरे वाह, आज कितना अच्छा दिन है, खूब कमाई हुई है आज तो। ये लो छोटू, तुम भी कुछ पैसे रख लो। उस्ताद आप तो बहुत अच्छे हो, आज मैंने आपके लिए कई सारे पकवान बनाए हैं। हाँ हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी बहुत कमाई हुई है। अच्छा तो ये बात है, तो लाओ 100 रुपए। हाँ हाँ ये लो, पर तुम इसका क्या करोगी? मैं अपने चिंटू के लिए साइकिल लाऊंगी। ठीक है। एक दिन राजू का एक पड़ोसी उसके पास आया। राजू भाई, मेरे ट्रैक्टर का एक पहिया खराब हो गया है, जरा देखना तो। हाँ हाँ, कहाँ है तुम्हारा ट्रैक्टर? वो तो घर पर ही है, मैं इसलिए पूछने आया था कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगले महीने जब फसल कटेगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ ले आओ, तुम तो मेरे साथ पढ़े हो, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो और किसकी करूँगा।
राजू ने उसका ट्रैक्टर ठीक कर दिया। एक दिन राजू को उसके मामा के घर से न्योता आया। छोटू, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम काम का ध्यान रखना, और हाँ, कोई मदद मांगने आए तो उसकी मदद जरूर करना। राजू वहाँ से चला गया और छोटू काम संभालने लगा। मुझे इसी दिन का इंतजार था, कमाई का ये मौका मैं हाथ से कैसे जाने दूंगा। छोटू ने कुछ कीलें अपनी दुकान के बाहर सड़क पर डाल दी। अब जो भी गाड़ी, स्कूटर या साइकिल वहाँ से गुजरती उसका पंचर हो जाता और फिर सभी वहाँ से पंचर लगाने आते। छोटू ने उससे खूब पैसे बनाए। छोटू, राजू तो सिर्फ 300 रुपए लेता था, तुम 500 ले रहे हो। हाँ जी, अब आजकल महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई है। इस तरह कई दिन निकल गए। वो बहुत खुश था। एक दिन एक एम्बुलेंस वहाँ से गुजरी और पंक्चर हो गई। ये टायर तो पूरी तरह खराब हो गया है, इसे नया लगाना होगा। ठीक है, जल्दी लगा लेना, मुझे एक माताजी को तुरंत अस्पताल लेके जाना है। जब छोटू ने पंचर ठीक किया तब उसकी नजर गाड़ी के अंदर लेटी माताजी पर पड़ी। माँ, माँ, तुम यहाँ कैसे, क्या हुआ माँ? माँ बेहोश थी। अरे भाई, ये अभी अभी थोड़ी देर पहले मंदिर की सीढ़ियों से गिर गई हैं। बहुत खून बह गया है इनका, तुरंत इलाज की जरूरत है। पर सड़क पर तो गाड़ी पंचर हो गई, अब ना जाने कब अस्पताल पहुंचेंगे। ओह, ये मुझसे क्या हो गया, मेरे लालच ने मुझे ये दिन दिखाया। चलो भैया, जल्दी चलो, ये मेरी माँ है, मैं इन्हें लेकर चलता हूँ। सीख, लालच और चलाकी करके पैसा कमाना बुरी बात है। एक गांव में बजरंगी करके एक आदमी था। वह एक कुमार था। वह मिट्टी से तरह तरह के खिलौने बनाकर बच्चों को बेचता था। एक दिन उसका बेटा पिंटू वहां पर आया और ऐसा बोला, पापा जी, मुझे भी एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल चाहिए। मेरे दोस्त सुनील ने एक नया इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदा है। वो एक चार्ज पे 10 दिन तक चलता है। मुझे किसी भी तरह आप खरीदेंगे ना? वो कितने का है बेटा? सुनील बोला, वो 10,000 की है। पिंटू, सुनील के पापा एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। मैं खिलौने बनाने वाला 10,000 से वो कैसे खरीद सकता हूँ? एक काम करता हूँ, मैं आपको तरह तरह के मिट्टी के वाहन बना के दूंगा, आप उसी से खेलना। मैं सुंदर खिलौने बनाकर दूंगा, आप चिंता मत करो बेटा। ठीक है पापा। उसी दिन बजरंगी ने खूब मेहनत करके मिट्टी के मोटर बाइक, जीप, स्कूटर बना के दिया। पिंटू बहुत खुश हो जाता है। अगले ही दिन पिंटू उसके सभी दोस्तों को दिखाने के लिए मिट्टी के बाइक को लेके जाता है। ये बात सुनील से देखा नहीं गया। वह उसके इलेक्ट्रिक बाइक से पिंटू के मिट्टी के बाइक को धक्का मार देता है और पिंटू का मिट्टी बाइक टूटकर चूर चूर हो जाता है। जब ये बात पिंटू अपने पापा को बोला, पिंटू बेटा, इस बार मैं एक मजबूत जीप का खिलौना बना के दूंगा, ठीक है? ऐसा बोलकर बजरंग ने रातों रात एक मजबूत मिट्टी का जीप का खिलौना बना के देता है। जब पिंटू उस जीप को सुनील के पास लेके गया, सुनील फिर से उसके बाइक से जीप को टकराने के लिए देखता है। ऐसा वह तेजी से आकर पिंटू के जीप को मारता है, लेकिन इस बार सुनील का बाइक टूटकर नीचे गिर जाती है। फिर सुनील रोते रोते उसके पापा के पास जाते हैं। पापा जी, पिंटू करके मेरा एक दोस्त ने उसकी जीप से तेजी से आकर मेरे बाइक को धक्का देके तोड़ दिया है, आप जल्दी कुछ कीजिए ना। ऐसा झूठ बोलता है। तभी सुनील के पापा विशाल एक जेसीबी को लेके पिंटू और बजरंग के घर के पास जाकर सारे खिलौने और उसके घर को भी तोड़ देता है। तभी बजरंग ने ऐसा बोला, विशाल सेठ, आप तो बड़े हो, कुछ तो दिमाग लगा के काम करना होगा ना। वह छोटे बच्चे हैं, आप भी ऐसा करना अच्छा नहीं है। आप मुझसे क्षमा मांग के मेरे घर को ठीक करवा दो। अरे चल, मैं तुमसे माफी हो ही नहीं सकता। फिर ठीक है, एक शर्त लगाता हूँ, अगर कल मैं आकर मैं तुम्हारी जेसीबी और घर को नहीं तोड़ा तो मेरा नाम भी बजरंग नहीं है।
ऐसा अगले ही दिन एक बड़ा सा मजबूत मिट्टी का जेसीबी बनाकर बजरंग विशाल के घर पहुंच जाता है और एक ही झटके में विशाल का स्टील जेसीबी को तोड़ देता है। वो जेसीबी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। फिर विशाल दौड़ता हुआ आकर सबके सामने बजरंग से माफी मांगता है और बजरंग को एक नया घर भी बना के दे देता है। तब से बजरंग और पिंटू खुशी से नए घर में रहने लगे। लेकिन बजरंग तरह तरह के मिट्टी के खिलौने बनाना नहीं छोड़ा। सोहन के पास एक खटारा बाइक थी। वह कभी भी कहीं भी खराब हो जाती थी। सोहन उसे मैकेनिक के पास ले जाता और पैसे देकर जैसे तैसे ठीक करवाता था। अरे भाई सोहन, नई बाइक ले लो, कब तक इसकी मरम्मत करवाते रहोगे? अब ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। सोहन को डींगे मारने की बहुत बुरी आदत थी। अरे तुम देखना, मेरी बाइक जर्मनी से आने वाली है, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। और जिसे तुम खटारा समझ रहे हो ना, इसे तो दिल्ली के ऑटो एक्सपो में भेजना है, दुनिया देखने आएगी इसे। अरे इसमें ऐसी क्या खास बात है सोहन भाई? हाँ हाँ, खास बात तो ये है कि ये बाइक मेरे दादाजी की है। एक बड़े राजा ने उन्हें तोहफे में दी थी। ये 150 साल पुरानी बाइक है। हर जगह सोहन बिना सोचे समझे गप्पे मारता रहता था। एक दिन सोहन अपनी पत्नी के साथ पिक्चर देखने जा रहा था। रास्ते में बाइक फिर खराब हो गई। जब तक वो चली तब तक पिक्चर खत्म हो चुकी थी। गुस्से में आकर उसकी पत्नी ने कहा, देखो जी बहुत हुआ, आज के बाद मैं इस बाइक पर नहीं बैठूंगी। आज मेरी सहेलियां सभी मुझ पर हंस रही थी। इस खटारा पर तो तुम ही बैठो, मैं चली घर। घर पहुंचकर सोहन ने अपने पड़ोसी की बाइक चुरा ली और उसे सुबह होने से पहले अपनी बाइक के साथ जोड़कर एक नए रूप में रंग दिया। सोहन अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पिक्चर दिखाने ले गया। सब बहुत खुश थे, लेकिन सोहन का पड़ोसी बहुत उदास था। उसने पुलिस में कंप्लेंट भी कराई, पर बाइक का कुछ पता ना चला। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर सोहन को मिला। अरे सोहन, मुझे जरा पुलिस स्टेशन तक छोड़ दे। जी हाँ, चलिए आइए बैठिए। अरे बड़ी अच्छी बाइक है भाई, एकदम अलग, कहाँ से लाए हो? सिडनी से लाया हूँ साहब, मेरे चाचा की वहाँ बाइक की फैक्ट्री है, आपको चाहिए तो बताइएगा जरूर। सोहन की बातों पर अफसर को शक हुआ। अरे आओ सोहन, बैठो, तुम्हें चाय पिलाते हैं। सोहन खुश हो गया और अफसर के इशारे पर उसकी बाइक की तलाशी हुई और पता चला कि ये तो चोरी की बाइक है। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ, चाय के लिए धन्यवाद। अरे रुको रुको, अभी कहाँ, अभी तो बस चाय ही पिलाई है, हवा खाना तो बाकी है। चलो हवालात में, चोरी करने और गप्पे मारने का बहुत शौक है ना तुम्हें, अब यहीं बैठे बैठे खटमलों को अपनी गप्पे सुनाना। लालची चिकन सूप वाला। श्याम लाल शहर के बाजार के बीचों बीच सड़क किनारे एक ठेला लगाकर चिकन सूप बेचता था। जो भी बाजार में आता उसके चिकन सूप की खुशबू से वहां खींच लाती। उसके ठेले के आगे हमेशा भीड़ लगी रहती थी। अरे भैया एक प्लेट चिकन सूप देना, और हाँ एक प्लेट पैक भी कर देना। थोड़ी देर रुकना पड़ेगा भाई साहब, आपसे पहले 4 ग्राहकों के नंबर हैं। ठीक है भाई, मैं यहाँ साइड में खड़ा होकर इंतजार कर लेता हूँ। उसका नंबर आने पर श्यामलाल उसे सूप देता है। सूप पीने के बाद वह आदमी कहता है, अरे वह भाई मजा आ गया। श्यामलाल उनका धन्यवाद करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सड़क के दूसरी ओर जगन सेठ अपने रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है और वह सड़क पार कर श्यामलाल के ठेले पर पहुंचता है। अरे भाई एक कप सूप तो पिलाना। श्यामलाल जगन सेठ को चिकन सूप पिलाता है। अरे भाई मजा आ गया तुम्हारा चिकन सूप पीकर, कितना कमा लेते हो यहाँ तुम। बस गुजारा हो जाता है सेठ जी।
अरे मेरे साथ मिलकर काम करोगे? जितना तुम यहाँ कमाते हो उसे 3 गुना मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपको कल बताऊंगा। श्यामलाल रात भर जगन सेठ के प्रस्ताव के बारे में सोचता रहता है और अगले दिन जैसे ही वह अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचता है तभी जगन सेठ उसके पास आता है। हाँ भाई, क्या सोचा तुमने? ठीक है सेठ जी, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। अगले ही दिन से श्यामलाल जगन सेठ के रेस्टोरेंट में चिकन सूप बनाने लगता है। धीरे धीरे श्यामलाल के सारे ग्राहक जगन सेठ की दुकान पर आकर उसका सूप पीने लगते हैं। जगन सेठ का रेस्टोरेंट जो कभी खाली रहता था वहां अब हमेशा भीड़ रहने लगती है। अरे लो भाई श्यामलाल, अपने पैसे ले लो भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया सेठ जी, आपने मुझे मौका दिया। कुछ महीने सब ठीक चलता है लेकिन बाद में जगन सेठ के मन में लालच आ जाता है और वह श्यामलाल से सूप बनाने का तरीका सीख लेता है। एक दिन जगन सेठ श्यामलाल से कहता है, भाई श्यामलाल मजा नहीं आ रहा तुम्हारे बनाए सूप में अब। अरे तुम कहीं और काम ढूंढ लो। लेकिन सेठ जी। भाई लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अपना हिसाब लो और निकलो यहाँ से। श्यामलाल अपना सा मुंह लेकर वहां से चला जाता है और अगले ही दिन फिर से अपना ठेला लेकर बाजार के बीचों बीच अपना काम शुरू कर देता है और पहले से भी अच्छा चिकन सूप बनाकर रेस्टोरेंट से सस्ते दामों पर बेचने लगता है। श्यामलाल अपने हर ग्राहक को सारी बात बताता है। धीरे धीरे श्यामलाल के सभी ग्राहक वापस आ जाते हैं और जगन सेठ का रेस्टोरेंट फिर खाली हो जाता है। सीख, लालच बुरी बला है। चतुर भाई। राम और श्याम की शादी हो चुकी थी। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे लेकिन आए दिन उनकी पत्नियां आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा करती थी। मेरा पति बड़ा है, घर का मुखिया वही है। देखो दीदी, बहुत हुआ, ये इस तरह से रोब मारना बंद करो। हम छोटे हैं तो क्या हुआ, बराबर की कमाई करता है मेरा पति। इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा, समझ गई? और अगर मुझे ज्यादा परेशान किया तो पुलिस बुला लूंगी। इस तरह की लड़ाइयाँ हर रोज होती रहती थीं। अब दोनों भाइयों में भी मन मुटाव रहने लगा। तो एक दिन राम सरपंच के पास जाता है और सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मेरे घर का माहौल दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। हम दोनों की पत्नी आपस में खुशी खुशी रहने को तैयार ही नहीं। हम दोनों भाई साथ रहना तो चाहते हैं, मगर आप समझ रहे हैं ना? सरपंच अगले ही दिन उसके भाई श्याम से मिलता है और पूछता है, क्यों भाई श्याम, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? कल मेरी मुलाकात राम से हुई, वो काफी परेशान था, तुम क्या कहते हो? अरे अरे, वो राम की बातों में मत आइए आप। बहुत चालाक है मेरा बड़ा भाई। मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बता रहा हूँ, वो बहुत कमीना है। उसके मन में लोभ है, ईर्ष्या है। सरपंच समझ जाता है कि दोनों भाई एक साथ रहना नहीं चाहते और छोटा भाई बहुत ज्यादा चतुर भी है। सरपंच उनके घर जाता है और उनके घर का बंटवारा कर देता है लेकिन उनके घर में बस एक ही गाय थी। सरपंच को समझ नहीं आता कि वो एक गाय का बंटवारा कैसे करे। इतने में श्याम बोलता है, अरे सरपंच जी, इसमें क्या बड़ी बात है, एक ही घर की बात है ना, आगे का हिस्सा बड़े भैया का और पीछे का हिस्सा मेरा, बोलिए ठीक है ना? चतुर भाई के ऐसा कहने पर राम हामी भर देता है। श्याम गैया का दूध निकालता है और दूध घी और दही खाता है। यह देखकर राम हैरान रह जाता है। राम को ये बात अच्छी नहीं लगती लेकिन राम समझ नहीं पाता कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि वो अपने भाई को सबक सिखा सके। राम की पत्नी बहुत समझदार थी। अगले दिन वो गाय को चारा ही नहीं डालती। शाम हो जाती है, उसकी देवरानी बहुत देर तक दूध निकालने की कोशिश करती है लेकिन दूध ही नहीं देती है गाय। हाय राम, आज तो गैया दूध ही नहीं दे रही, आज ही सुनते हो? क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? आज तो गैया ने दूध ही नहीं दिया, लगता है बड़ी भाभी गैया को कुछ खिलाती नहीं, आगे का हिस्सा तो उनका है ना। तभी जेठानी बाहर आती है और देवरानी से कहती है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, इतनी चतुराई तुमने उस दिन दिखाई कि पिछला हिस्सा हमें दे दो,
तो याद रखो, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तब तक इसे मैं चारा देने वाली नहीं, तो फिर दूध कहाँ से देगी? अब श्याम और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दोनों जेठानी और राम से माफी मांगते हैं और इस तरह प्यार मोहब्बत के साथ एक बार फिर राम और श्याम की पत्नियां गले लग जाती हैं। राम और श्याम भी गले लग जाते हैं और फिर से एक बार सभी परिवार वाले एक साथ रहने लगते हैं। तालाब के बीचों बीच एक बहुत बड़ी विशाल मछली रहा करती थी। यूं तो तालाब में बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियां रहा करती थी, लेकिन विशाल मछली का आकार हद से ज्यादा बड़ा था। वो अक्सर सोने में ही अपना समय बिताती थी। एक दिन उस तालाब के पास एक मछुआरा और उसकी पत्नी आए। मछुआरे की पत्नी ने उससे कहा, अरे अरे देखो तो सही, इस तालाब में कितनी सारी मछलियां हैं। मैं तो कहती हूँ मछलियां पकड़कर बाजार में बेचते हैं, बोलो कैसा रहेगा? हाँ, ये तो बहुत अच्छा उपाय है, चलो शुरू हो जाओ। दोनों पति पत्नी मिलकर अब हर रोज वहाँ से हजारों मछलियां लेकर जाते और बाजार में बेचते थे। धीरे धीरे उस छोटे से तालाब की मछलियां खत्म होती जा रही थी। विशाल मछली को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी, लेकिन बाकी मछलियों को इस बात की बहुत चिंता थी। तो सभी मछलियों ने योजना बनाकर बड़ी मछली के पास जाने का फैसला किया। उठो उठो बड़ी मछली, उठो, मुसीबत की घड़ी आ गई है। ये तालाब बहुत जल्द बिना मछलियों के हो जाएगा और यहाँ तुम अकेली रह जाओगी, अरे उठो ना। सभी मछलियों के उठाने पर विशाल मछली जाग जाती है। क्यों परेशान कर रही हो, बात क्या है और इतना शोर कैसा? अरे अरे, एक मछुआरे और उसका पति, एक दिन उन दोनों की नजर हमारे तालाब पर क्या गई। वो लोग हर रोज हजारों मछलियां हमारे तालाब से ले जाते हैं। क्या कहा? हाँ, और देखो तो सही, आसपास कोई सहेली नहीं बची तुम्हारी, सबकी सब वो ले गए और बहुत जल्द हमारा नंबर भी आ जाएगा। तुम कुछ करो, अब जागने का वक्त है, सोने का नहीं। कितने बजे आते हैं सब? बस आते ही होंगे, तो चलो मेरे साथ। विशाल मछली देखने में इतनी विशाल थी कि उसे देखकर हर कोई यूं ही डर जाता था। विशाल मछली ने मछुआरन और उसके पति के आते ही तालाब से छलांग लगा दी। यह देखकर दोनों पति पत्नी डर के मारे वहां से भाग गए। अरे अरे अरे, देखो देखो इतनी विशाल मछली, लगता है ये वेल मछली है, ये तो हमें खा जाएगी। अरे भागो, आज के बाद इस तालाब के पास हम नजर भी नहीं आएंगे, जा रहे हैं। विशाल मछली तुरंत उनके जाते ही पानी में वापस लौट आती है और इस बात पर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी मछलियाँ विशाल मछली को धन्यवाद देती हैं। शुक्रिया विशाल मछली, तुम यूँ तो सोती बहुत हो, करती कुछ नहीं, लेकिन हो बड़े काम की, आज तुमने हम सबकी जान बचाई है, शुक्रिया। अब ये दोनों लालची पति पत्नी हमारे तालाब की तरफ कभी नहीं आएंगे और हम सुकून से रहेंगे, तो चले। मैं तो सोने जा रही हूँ। विशाल मछली फिर से आराम करने के लिए चली जाती है। लालची चिकन वाला। एक गांव में जगत नाम का एक आदमी था, वो चिकन की दुकान चलाता था। उसके मन में बहुत लालच था, वो हमेशा पैसे बचाने की ही सोचता था। रियाज जगत को चिकन की सप्लाई करता था। जगत उससे खराब चिकन कम दाम पर खरीदता और ग्राहकों को अधिक दाम पर बेच देता। रियाज को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे वाह, आज तो बहुत कमाई हुई है, बस ये रियाज चिकचिक करता है। एक दिन जगत गांव के बाहर कहीं जा रहा था, उसने देखा रियाज एक मुर्गी फार्म से निकल रहा है। अच्छा, तो ये रियाज यहाँ से मुर्गियाँ खरीदता है, कल मैं भी यहाँ से मुर्गी खरीदूंगा। अगले दिन जब रियाज चिकन सप्लाई देने आया, तब जगत ने उसे मुर्गी खरीदने से मना कर दिया। अरे रियाज, पहले सारा चिकन खत्म होने दो, बाद में खरीदूंगा।
जगत उस फार्म पर जाता है जहां उसने रियाज को देखा था, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। अरे कोई है। जगत वहां आवाज लगाता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। अरे वाह, यहाँ तो मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ हैं और कोई देखने वाला भी नहीं। कुछ मुर्गियाँ उठा लेता हूँ। और जगत ने वहाँ से कुछ मुर्गियाँ उठाई और तेजी से वहाँ से निकल गया। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। बिना कोई खर्च के कमाई ही कमाई। अब रोज ही ऐसा करूँगा। अब जगत रोज रात को फार्म पर जाता और मौका पाकर मुर्गियाँ उठाकर ले आता। इस तरह वो लगातार मुर्गियां रात को चोरी करता रहा और बेचता रहा। जब फार्म में मुर्गियां कम होने लगी तो फार्म के मालिक को कुछ शक हुआ। उसने फार्म पर नजर रखनी शुरू की। उसने देखा कि एक रात जगत वहां से मुर्गी उठाकर ले जा रहा है। तब फार्म के मालिक ने एक चाल चली। उसने अपनी चार मुर्गियां रात को फार्म में खुली छोड़ दी और एक मुर्गी को एक खास तरह की रोटी खिला दी। रात को जगत मुर्गियां चुरा कर ले गया। अगले ही दिन फार्म के मालिक ने जगत की दुकान से सारी मुर्गियां खरीद ली और वो खास तरह की रोटी वाली मुर्गी भी उसी के पास मिली। तब मालिक को पता चला कि चोर कौन है। उसने पुलिस बुलाई और जगत को पुलिस के हवाले कर दिया। सीख, चोरी का काम हमेशा फलता नहीं है। जादुई चिकन मशीन। राम और कमल दो सगे भाई थे। वो दोनों श्यामपुर गांव में अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। उनके पिताजी का अंडों और मुर्गियों का कारोबार था। जैसे ही राम और कमल बड़े हुए, वैसे ही उनके माता पिता ने उन दोनों की बड़े धूमधाम से शादी की। राम की बीवी का नाम था कमला और कमल की बीवी का नाम था विमला। राम की बीवी कमला व्यवहार की बहुत अच्छी थी। उसने घर में आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। वो सुबह जल्दी उठकर अपने सास ससुर की सेवा करती, घर का सारा खाना बनाती और कमल और उसकी बीवी के लिए भी खाना बनाया करती थी। लेकिन दूसरी ओर कमल की बीवी विमला बहुत ही सुस्त और चालाक थी। वो बड़ी चालाकी से कोई न कोई बहाना बनाकर घर के काम टाल दिया करती थी। कमला दीदी, जरा मेरे लिए भी खाना बना दो ना, मेरे सर में बहुत दर्द है। हाँ हाँ बिमला, मैं बना देती हूँ। ला, तेरे सर पे बाम मल देती हूँ। इस तरह से कमला ने अपनी सेवा भाव से सभी का दिल जीत लिया था। धीरे धीरे राम और कमला ने मेहनत करके अपने पिता के कारोबार को काफी आगे बढ़ा दिया था। ये देखकर बिमला बहुत जलने लगी। एक दिन उसने कमल से कहा, अजी मैं तो कहती हूँ बाबूजी से कहकर हिस्सा बंटवारा करवा लो, नहीं तो भाभी ना पूरा हिस्सा खा जाएगी और हम काम करते रह जाएंगे। कमल अपनी बीवी की बातों में आ जाता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी बहुत हुआ, मुझे अपने कारोबार में अपना हिस्सा चाहिए। क्या कहते हो बेटा, हिस्सा लोगे, परिवार से अलग रहोगे? हाँ पिताजी, इसमें बुरा ही क्या है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। राम कमल के पिताजी घर का बंटवारा करने के लिए दोनों से कहते हैं, लेकिन पिता की बात सुनकर राम कहता है, पिताजी आप ये क्या बात कर रहे हैं, इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कमल को अगर मुर्गियों का कारोबार और एक घर चाहिए तो आप उसे दे दीजिए, मैं और कमला गांव के बाहर वाले मकान में रह लेंगे। शाबाश बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। और अगले ही दिन राम और कमला घर छोड़कर गांव के बाहर वाले मकान में रहने के लिए चले जाते हैं। ये देखकर विमला और कमल बहुत खुश होते हैं। राम और कमला जैसे ही पुराने मकान की सफाई करने लगते हैं, तभी कमला को वहां एक बोतल मिलती है। कमला जैसे ही उस बोतल की सफाई करके उसका ढक्कन खोलती है, तभी उसमें से एक जादुई आत्मा निकलती है। ये देखकर कमला डर जाती है। डरो मत कमला, मुझे एक शैतान जादूगर ने इस बोतल में बंद कर दिया था, तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसा कहते ही उस आत्मा ने हवा में हाथ हिलाया और देखते ही देखते वो पुराना मकान एक नए अच्छे मकान में बदल गया और साथ में ही एक बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म भी बन गया, जहाँ पर की मॉडर्न टेक्निक की मशीनें लगी हुई थी
और खूब सारे अंडे और मुर्गियां भी थी। ये देखकर कमला बहुत खुश हुई और यहाँ पे विमला और कमल ने अपने बुरे व्यवहार के कारण सारा व्यापार चौपट कर दिया। कमल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने जाकर अपने पिता और अपने बड़े भाई से माफी मांगी और दोनों भाई फिर से इकट्ठे होकर रहने लगे।